नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीनदयाल साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले से सुसाइड का एक मामला सामने आया है, जहां मायके से नहीं लौटी पत्नी तो पति ने तनाव में लगा ली फांसी। पत्नी के मायके चले जाने के बाद वापस नहीं आने से तनाव में चल रहे एक SECL कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले में मर कायम कर जांच कर रही है। बांकी मुंगरा थाना क्षेत्र के बलगी कॉलोनी निवासी छेदीलाल कुटे, उम्र 29 वर्ष, SECL कर्मी था। उसकी पत्नी झगड़ा होने पर मायके चली गई, बुलाने पर भी वह वापस नहीं आ रही थी, जिससे छेदीलाल परेशान रहता था। मृतक के बड़े भाई तोलाराम के मुताबिक पत्नी के मायके जाने की वजह से छेदीलाल हमेशा परेशान रहता था। गुरुवार की दोपहर छेदीलाल ने उसे कॉल किया, जिसमें उसने कहा कि सिर दर्द के कारण उसकी जीने की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई है और आत्महत्या करने की इच्छा जताई। तोलाराम ने उसे ऐसा नहीं करने की समझाइश दी थी। जब तोलाराम अपने घर पहुंचा तो उसका शव फांसी पर मिला। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।